और देखिए मोदी जी, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए भैया आए, और देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे जो चिड़िया घर जाते थे और उन्हें चीतल शेर दिखाई नहीं देता था भाई साहब भाई, और उन्हें वो देखकर आज बड़े खुश हो रहे हैं। आई आई मुझे तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और देखिए भैया आप ही कुछ बोलिए आगे। आई 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 देखिए आपका साथ रहा तो मैं साथ चीते लेके आ गया। अब देखिए हमारे बच्चे जाते हैं चिड़ियाघर, अरे चिड़िया तो मिलती लेकिन शेर चीता देखने को नहीं मिलते, अरे उनके दर्शन नहीं हो रहे थे। अरे मैं विदेश गया, मैंने देखा, अरे ये तो बड़ी गलत बात है, मैं विदेश से साथ चीते ले आया। अब देखिए अभी तो मारा एक चिड़ियाघर में उनको शिफ्ट कर दिया है, और मैंने बोल भी दिया देखिए इनकी देख रेख करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर ये निकल गए तो भैया ये दूसरे को खा जाएंगे, इनका बेहद ध्यान रखो, और अगली बार हाँ अगली बार मैं और चीते लेकर आऊँगा, क्योंकि अपने देश में चीतों की जनसंख्या बढ़ानी है। अरे मैंने सोचा यार कि छोटे मोटे जानवर लाने से क्या फायदा, अरे कोई बड़ी चीज लाओ, अरे चीता लेकर आया, सभी डरते हैं यार उनसे, अरे बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन देखिए आप बच्चे बड़े खुश होंगे, अरे मैंने देखा वहाँ चिड़ियाघर में बच्चे देखने आए, अरे मुझे तो मजा आ गया यार मित्रों। अरे ऐसा ही मारा साथ देते रहो, मैं चीता गया शेर भी लेकर आऊँगा। अरे देखिए आजकल देखिए चिड़ियाघरों में कुछ नहीं मिलता, बच्चे जाता घूम के चले जाते हैं, अब मैं भी गया था, लगन मैंने तय कर लिया, देखिए अब चिड़ियाघर में चीते भी देखने को मिलेंगे और कुछ दिन बाद शेर भी मिलेंगे। और हाँ एक बात और, अरे जो वीडियो देख रहे हो तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।